इस लेक्चर में हमें यहाँ पे इफेक्ट स्टडी करना है अगर न्यूक्लियस के फाइनाइट मास को बोर्स मॉडल में अगर कंसिडर किया जाए या फिर न्यूक्लियस के मोशन को कंसिडर किया जाए, तो इससे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन एटम, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम होता है, उसके जो एनर्जी लेवल्स या वैल्यूज जो कैलकुलेट की जाती हैं उसमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस किस तरीके से आते हैं, इन सभी को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो एक बार जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आइटम होता है उसके लिए कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं, एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आइटम इन बोर्स मॉडल, तो ये हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो जेड इंटू ई, हाइड्रोजन के लिए जेड वन हो जाएगा, बाकी के लिए जेड की कुछ वैल्यू होगी 2, 3, 4 जो भी है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस। और इसको रिवॉल्व कराने के लिए जो सेंट्रिपेटल फोर्स है वो इनका कोलम्ब अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो इसके जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशंस हो जाती हैं, अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एम ई इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर बाई आर। इसको आप ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एम ई, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एम ई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, तो के जेड ई इंटू ई, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज़ वन इक्वेशन। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो बोर्स क्वांटाइजेशन से आती है कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एनएच अपन 2 पाई। इस एंगुलर मोमेंटम को आप ये भी लिख सकते हो, वी को अगर मैं ओमेगा इंटू आर लिख दो तो वी इज़ ओमेगा आर, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर, और एम ओमेगा आर स्क्वायर इज एनएच अपन 2 पाई। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सभी में अजम्पशन क्या रहता है, तो अजम्पशन ये रहता है कि यहाँ पे बहुत सारा मास है और ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मास है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और ये रेस्ट पे रहता है, ये फिक्स रहता है, और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो मेजर अजम्पशन इज़ कि इसको रेस्ट पे अज्यूम किया गया है और सारा मास ऑलमोस्ट यहीं पर कंसनट्रेटेड अज्यूम किया गया है जिससे ये रेस्ट पर है, और ये फिक्स रहते हुए इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और उनसे ये आंसर निकल करके आते हैं। इन दोनों रिलेशन से जो कुछ आंसर्स निकल करके आते हैं, जैसे इन दोनों से अगर आप रेडियस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करो तो रेडियस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। रेडियस का एक्सप्रेशन इन दोनों को सॉल्व करके आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम, ये रेडियस का एक्सप्रेशन आता है। इसके अलावा अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना हो तो एनर्जी में एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू1 क्यू2 बाई आर, तो क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है तो माइनस आता है, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना है तो ओमेगा के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हैं इसको, तो ओमेगा के टर्म्स में यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, वी की जगह पे ओमेगा इंटू आर, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये टर्म्स इसमें आते हैं। इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, और जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उस टोटल एनर्जी में फाइनली उसको एडजस्ट करके ये लिखा जा सकता है, दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस के एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 4 एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब इन सभी एक्सप्रेशंस को एक बार हम वापस से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जब मैं कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में इनको कैलकुलेट करूँगा, देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं इन एक्सप्रेशंस के अंदर। तो अगेन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें किस तरीके के इफेक्ट को हमें लेना है यहाँ पर, तो जनरली ऐसा होता है जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम भी होता है उसी तरीके का ये सिस्टम भी होता है, और इस तरीके के सिस्टम में ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, और वो अट्रैक्शन वो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसके अंडर यहाँ पर ये रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये दोनों मोशन करेंगे और मोशन करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ये रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो मास है वो कम्प्लीटली इनफाइनाइट नहीं है, अगर इनफाइनाइट होता तो ऑब्वियस है कि फिर यहीं पर सेंटर ऑफ मास होता, लेकिन सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा,
लेकिन ये जरूर है कि ये मास बहुत ज़्यादा होता है, तो सेंटर ऑफ मास करीब करीब इसके पास में ही होता है, और यहाँ पे कम्प्लीटली इस मॉडल के अंदर इसको यहीं पर अज्यूम कर लिया गया। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि चलो ठीक है यहाँ पर नहीं है, थोड़ा बीच में कहीं पर है, तो उससे कैलकुलेशन अगर की जाए तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखते हुए रिवॉल्व करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मैं इन दोनों को पार्टिकल्स की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज़ न्यूक्लियस, मास एम एन, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका जो ट्रीटमेंट है, जो भी कैलकुलेशन है, वो एग्जैक्टली बाइनरी स्टार सिस्टम टाइप की होती है, उसका भी वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा जो कि इसके बहुत ही नज़दीक होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा होता है। ये डिस्टेंस सपोज आ रहे हैं, ये डिस्टेंस सपोज आ रही, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आर के बराबर। तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो किसी भी एक को लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। और आर एन और आर ई की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आर एन की वैल्यू हो जाएगी इसमें, तो आर एन इज़ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, तो उसमें ऊपर एम ई आएगा, एम ई प्लस एम एन इन टू दिस टोटल डिस्टेंस आर। और जो आर ई होगा ये हो जाएगा एम एन डिवाइड बाय एम ई प्लस एम एन इन टू आर। मैं इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और ये बाइनरी स्टार सिस्टम में भी से भी हमें पता होना चाहिए कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिससे कि अगर ये यहाँ पहुँच जाता है तो ये यहाँ पहुँचा हुआ रहेगा, और सेंटर ऑफ मास इनको मिलाने वाली लाइन पर मिलेगा फिर। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास फिर मूव कर जाना चाहिए, जो कि मूव नहीं करेगा, दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होना चाहिए। तो मैं इसके लिए लिखता हूँ, तो इसके लिए सेंट्रिपेटल फोर्स एम यू ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस आर ई, दिस वुड बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, तो के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो आर ई है, इस आर ई को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर, तो ये हो जाएगा एम ई ओमेगा स्क्वायर, दिस आर ई इज एम एन, एम ई प्लस एम एन इंटू आर, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर एम ई एम एन डिवाइड बाई एम ई प्लस एम एन, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड मास। तो ये जो क्वांटिटी दिस विल बी रिड्यूस्ड मास, तो ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर इन टू आर, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर वन इस सिस्टम के लिए। फिर दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इस सिस्टम का, तो इसमें अब एंगुलर मोमेंटम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन भी, और जो न्यूक्लियस है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, ये सिस्टम का आई निकाल लें और आई को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, और आई जो होगा वो हो जाएगा एम ई आर ई स्क्वायर प्लस एम एन आर एन स्क्वायर, और आर ई आर एन की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा एम ई एम एन डिवाइड बाई एम ई प्लस एम एन इन टू आर स्क्वायर इन टू ओमेगा, और ये क्वान्टिटी अगेन रिड्यूस्ड मास हो जाएगा। तो दिस इज म्यू आर स्क्वायर इन टू ओमेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इन वन और टू इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए फ्रॉम दीज वन और टू इक्वेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि के जेड ई स्क्वायर, यहाँ पर एम ई आ रहा था, उस एम ई की जगह पर यहाँ पर ये म्यू आना स्टार्ट हो गया। अगेन जो सेकेंड इक्वेशन है, उस सेकेंड इक्वेशन में वैसा ही है, यहाँ पर ये एम ई ओमेगा इन टू आर स्क्वायर, यहाँ पर एम ई की जगह पर म्यू आ गया, बस इतना फ़र्क पड़ रहा है। बाकी दिस एल इज़ इक्वल टू, जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा। तो मैं आगे की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जा रही है कि जो मास है, जो एम ई था, जो भी एक्सप्रेशन के अंदर एम ई आ रहा था, उस एम ई को रिप्लेस करना होगा रिड्यूस्ड मास म्यू से। तो हमारे सारे एक्सप्रेशन एज इट इज़ वैसे के वैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। एनर्जी का एक्सप्रेशन पहले क्या था, मैं एज इट इज़ पहले इसको लिख देता हूँ, टू पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई फोर एम और डिवाइड बाई एच स्क्वायर। इसको मैं सी एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी एच सी एच, तो ये हो जाएगा सी एच क्यूब जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये जो क्वान्टिटी होती है, दिस क्वान्टिटी इज कॉल्ड रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दिस विल बी आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम के लिए था, लेकिन अब जो मॉडिफिकेशन हुआ है, उस मॉडिफिकेशन में क्या बदलेगा, यहाँ पर क्या चेंज होगा, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा था, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे म्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको ई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो नाउ दिस ई डैश विल बी
तो ये सब कुछ वैसे के वैसे आएगा, बस एम ई की जगह पे म्यूडेस आ जाएगा, तो माइनस टू पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई फोर, दिस विल बी म्यू डिवाइड बाय सी एच क्यू सी एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। या फिर ऐसे कह लें कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कुछ आर डैस हो गई, आर डैस सी एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चेंजेस आएंगे इसके अंदर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो आर सी एच है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली मासेस के टर्म्स में भी ला सकता हूँ, ये एम की जगह पे यहाँ पे म्यू आ गया है। अगर इस म्यू को यहाँ से बाहर निकाल करके, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर एम ई, और एक एम ई से इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए, तो मैं बस इतना मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब ऐसा करने से ये होगा कि ब्रैकेट के अंदर यही क्वांटिटी बन जाएगी, और सिंपली यहाँ पर हो जाएगा जो भी पहला एक्सप्रेशन आ रहा था ई एच, बस वो म्यू बाई एम ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ई एस था वो कितना था, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एंड दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाई म्यू बाई एम ई। तो म्यू बाई एम ई का एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर आ गया है, अगर इसको ध्यान रख ले तो यहाँ से आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये जो आर सी एच होता है जो यहाँ पे आ रहा है, इस आर सी एच की वैल्यू एनर्जी के टर्म्स में आएगी, क्योंकि जेड और एन के तो कोई यूनिट होगी नहीं, और ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया जाए तो ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस वैल्यू इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर जो ट्रांजिशंस होते थे उस ट्रांजिशन में क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, तो ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस हम लोग इस तरह से निकाल लेते थे कि ये एक एन टू लेवल है और एक एन वन लेवल है, फोटोन जो एमिट होता था ट्रांजिशंस में तो उस फोटोन की एनर्जी इसके बराबर होती थी। और अगर मैं पुराने हाइड्रोजन एटम के लिए, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम के लिए करूँ, तो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बस यहाँ पे जो आर सी एच है, आर की जगह पे आर डेस आ जाएगा, या फिर ऐसे कह लें कि म्यू बाई एम ई वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो डेल्टा ई डेस होगा वो इस डेल्टा ई में म्यू बाई एम ई के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तो वेवलेंथ जब लिखते हैं तो डेल्टा ई को एच सी बाई लैम्डा लिखा जाता है, आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आ गया इसमें, ये एच सी एच सी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और जो लैम्डा का आंसर आता था वो ये था आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लैम्डा का आंसर था। लेकिन बस आर जो है वो अब यहाँ पर आर डेस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/लैम्डा डेस जो होगा उसमें 1/लैम्डा, क्योंकि अभी भी वही एनर्जी का फैक्टर चल रहा है, तो म्यू बाई एम, लेकिन जब लैम्डा डेस में देखा जाएगा तो लैम्डा डेस इज लैम्डा, इसमें एम ई बाई म्यू होगा, जस्ट ये रिवर्स फैक्टर होगा एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी वाला फैक्टर। तो एनर्जी में म्यू बाई एम ई का फैक्टर था, और जो वेवलेंथ है उसमें फैक्टर आएगा एम ई बाई म्यू का। रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे, तो रेडियस के एक्सप्रेशन को आप विजुलाइज कर लो, यहाँ पे रेडियस में जो मास आता है वो नीचे आता है यहाँ पे, तो मैं जस्ट इतना ही लिखता हूँ आर डेस। जब मैं आर डेस लिखूँगा तो बाकी सारी चीज़ें आएंगी, एम ई की जगह पे यहाँ पे म्यू आ जाएगा, और इस म्यू को आप ऐसे यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हो, म्यू की जगह पे म्यू को यहाँ से हटाओ और एम ई, और एम ई यहाँ पर आ जाएगा, तो म्यू को यहाँ से हटा दिया जाए, और म्यू को हटा करके इसे कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, तो फैक्टर जो बनेगा, जो ओरिजिनल आर था उसमें एम ई बाई म्यू का फैक्टर आ जाएगा। तो अगर याद रखना चाहें तो उसको याद रख सकते हैं, एनर्जी में फैक्टर आएगा म्यू बाई एम ई का, लैम्डा में फैक्टर आएगा म्यू बाई एम ई का, सॉरी एम ई बाई म्यू का, और रेडियस में फैक्टर आएगा एम ई बाई म्यू के बराबर। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें आने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन KPY 2016 से लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ वन टेक्स इनटू अकाउंट फाइनाइट मास ऑफ प्रोटॉन, द करेक्शन टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली, उनके मासेज यहाँ पे दिए गए हैं इसमें। तो फाइनाइट मास को अकाउंट में लेने का मतलब ये है यहाँ पे है कि आप जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन भी यहाँ पर मूव कर रहा है। तो अभी जस्ट हमने थ्योरेटिकली यहाँ पे देखा है इसमें कि जो भी एनर्जी के एक्सप्रेशंस होते हैं, उस एनर्जी के एक्सप्रेशन में
यहाँ पे जो फैक्टर आता है वो फैक्टर यहाँ पर म्यू बाय एम ई के बराबर आ जाता है। तो ये जो फैक्टर है ये हर एक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। तो ये फैक्टर, तो इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये जो म्यू है वो म्यू यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यू बाय एम ई जब किया जाएगा, तो म्यू बाय एम ई करेंगे तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर हो जाएगा आपका, ये म्यू बाय एम ई हो गया, तो ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अराउंड 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेता हूँ, इनका जब रेशो लिया जाएगा तो ये भी करीब करीब 1836 ही आएगा। तो 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फैक्टर है 1836 डिवाइड बाई 1837 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इट इज़ 0.99945। तो इसका मतलब जो भी एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पर इसके, वो एनर्जी लेवल्स इस फैक्टर से मॉडिफाई हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का जो फर्स्ट होता है उसमें -13.6 होता है, तो -13.6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी हो जाएगी। सेकेंड के लिए -3.4 होता है, तो 3.4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो तो वो इसके लिए एनर्जी हो जाएगी। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता था उसके 13.6 बाइंडिंग एनर्जी होती थी, लेकिन इसके जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 13.6 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितने परसेंटेज से एक तरीके से चेंज हो रही है, चेंज कितने परसेंटेज हो रहा है यहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी डैश, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी अब कितनी हो गई है, तो 0.99945 ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। तो जो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी है उसमें इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बाइंडिंग एनर्जी में चेंज कितना है, डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी में जो चेंज है यहाँ पर बी डैस माइनस बी और परसेंटेज चेंज के बारे में बात की जा रही है, तो डेल्टा बी बाई बी, तो बी डैस बाई बी माइनस वन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ऐसा किया जाएगा तो जो आंसर आएगा करीब करीब, तो इसका जो आंसर होगा, जैसे यहाँ पर ये 99.94 के आसपास बैठ रहा है यहाँ पर, और उसमें से -100 कर लेंगे तो 100 करने के बाद में वो 0.06% के आसपास आ जाएगा। ये माइनस में आएगा क्योंकि वो कम हो गया, लेकिन यहाँ पर साइन का कोई मेंशन नहीं है, तो जस्ट हमें मैग्नीट्यूड वाइज पूछा गया है कि कितना चेंज आएगा, तो आंसर इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.06%। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि JEE 2000 से लिया गया है। Imagine an atom made up of a proton and a hypothetical particle of double the mass of the electron but having the same charge as the electron. Apply the Bohr atom model and consider all possible transition of this hypothetical particle to the first excited level. The longest wavelength photon that will be emitted has wavelength lambda. ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो इसमें हमें रिड्यूस्ड मास देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोटोन यहाँ पर दिया ही हुआ है, और जस्ट जो आपको यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बस उसके मास को डबल किया गया, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और इसमें ऐसा नहीं कह रहा है ये क्वेश्चन कि आप प्रोटॉन के मास को कंसिडर करो या कुछ इस तरीके का, प्रोटॉन के मोशन को लो। तो मैं सिर्फ यहाँ पर बस इतना चेंज कर रहा हूँ कि जो भी हमारे एक्सप्रेशन आते थे जहाँ पर एम ई आता था, बस एम ई की जगह पर यहाँ पर ट्वाइस एम ई हो जाएगा। तो अगर आप उन एक्सप्रेशन को एक बार वापस से देखो, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास आता है वो यहाँ पर आता है, ऊपर आता है। इसका मतलब बस जो एनर्जी है वो एनर्जी दो के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या जो रेडबर्ग कांस्टेंट है वो कह लीजिए कि दो के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दिस सिचुएशन जो रेडबर्ग कांस्टेंट है वो एक तरीके से 2R के बराबर होगा। रेडबर्ग कांस्टेंट इज 2R, और फार्मूला एज इट इज़ अप्लाई कर लो, 1 बाई लैम्डा डैस, मैं डैस इसे लगा रहा हूँ कि ये मॉडिफाइड लेवल्स हैं, 1 बाई लैम्डा डैस। जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर, जेड की जगह पे 1 हो जाएगा, आर की जगह पे मैं आर डैस यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक का आपको ट्रांजिशन इसमें लेना है, तो ट्रांजिशन ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ दिस हाइपोथेटिकल पार्टिकल टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन
कहाँ से आएंगे डी एक्साइट होकर के, थ्री से आ सकते हैं, फोर से आ सकते हैं, लेकिन कौन सा हमें लेना है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फोटोन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी, और वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा तो एनर्जी सबसे कम, और सबसे कम एनर्जी तब होगी जब इमीडिएट जो अगला लेवल है वहाँ से ट्रांसफ़र हो। तो इसका मतलब जो ट्रांसफ़र हमें लेना है इसमें वो लेना है n इज़ इक्वल टू थ्री से n इज़ इक्वल टू टू, ये वाला ट्रांसफ़र लेना है। तो यहाँ पे 1/n1² - 1/n2² ये जो आपका आरडेस है, आरडेस की जगह पे अब ये ट्वाइस हो गया, डबल हो गया यहाँ पर, ये तो ये 2R हो गया, क्योंकि R इसने कौन सा डिफाइन कर रखा है जो हाइड्रोजन एटम के लिए ओरिजिनली था वहाँ पे, तो उसका डबल हो चुका है इसमें। नाउ दिस विल बी 5/36, ये कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी 18। जो लैम्डा डेस का आंसर आएगा वो हो जाएगा 18/5R। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, 18/5R, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।